आज की मेरी टॉक एक ऐसे इंसान के लिए है जिसने एक ही लाइन कही कि अगर मैं कभी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू अर्न अ लिविंग. सो आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस पर्टिकुलर टॉक टू हिम. सो और वो हमेशा कहते थे कि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखो, तो इसलिए आज मैं एक टेबल के ऊपर खड़ा हूँ जहाँ से एक अलग नजरिए से देखने की दुनिया लगती कैसी है यहाँ पर. तो प्लीज बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रियली लाइक अगर आप सब खड़े हो जाए एंड गिव अ सल्यूट टू रॉबिन विलियम्स. ओ कैप्टन, माय कैप्टन, थैंक यू. कितने लोग यहाँ पे थोड़ा दिमाग से हिले हुए हैं? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और गिव मी अ शाउट आउट. वू, नाइस. साइकोपैथ, या. तो होता क्या है, हर जनरेशन के जितने भी पागल होते हैं उन्हें उस टाइम पे पागल कंसिडर करा जाता है, पर आगे 100 साल बाद 200 साल बाद वही लोग जीनियस बन जाते हैं हमारे. उस जनरेशन आज की जनरेशन की कभी कदर नहीं करेगी, पर 200 साल बाद दुनिया को पता लगेगा कि हाँ यार ये बंदा जीनियस था. तो जितने आज यहाँ पे लोग पागल है ना, आप सब जीनियस हो. प्लीज फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ऑल ऑफ यू हैव दैट जीनियस इंस्टिंक्ट और DNA इनसाइड यू. और मैं आपका गुरु नहीं हूं आज, मैं कोई सेल्फ हेल्प टॉक देने नहीं आया, मैं सिर्फ आज एक जोकर हूं और आज ये मेरा सर्कस है. एक पूरी जिंदगी मेरा सर्कस रहा है, तो आज का इस स्टेज को भी अपना सर्कस बनाकर देख लेते हैं. इस सर्कस का एक ही मैजिक वर्ड है, हो जाएगा. लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है सामने, अब सबने सिर्फ एक ही वर्ड कहना है, हो जाएगा. इट कैन बी डन. आपकी पूरी लाइफ एक ट्रेन की तरह चलती आ रही है, जिस ट्रेन के अंदर कोई और उस ट्रेन की गाड़ी को चला रहा है और कोई और उसके रूल्स बना रहा है, और आप उस ट्रेन में आराम से बैठे हो. चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, जॉब हो, हर बार रूल कोई और बना रहा है, चला कोई और रहा है उस ट्रेन को. आप पूरे दिन कॉल्स अटेंड करते हो, आप मीटिंग्स में जाते हो, आप ईमेल देखते हो, और हमेशा आपको कहा जाता है यार सीरियस रहना है. आज मैंने सीरियस ही रहना है. सीरियस रहो, 9 से 5 काम करो. आप पूरे दिन ऐसे कपड़े पहनते हो जो आपको कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रखते. आप हंसते कम हो, खेलते कम हो, लोगों से मिलते कम हो, और फिर आप कहते यार मैं खुश नहीं हूं. आप पूरे वीकडेज काम करते हो मंडे टू फ्राइडे और अपने दिल के खिलाफ जाके काम करते हो, और सैटरडे संडे फिर आप कहते हो कि यार अब मुझे ब्रेक चाहिए जिंदगी से. जितने भी ये लोग कर रहे हैं आज की डेट में, उन्हें ये इंपॉर्टेंट फीलिंग बहुत ज्यादा होती है कि यार मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, चाहे मैं मीटिंग कर रहा हूं, कॉल्स कर रहा हूं, ईमेल्स कर रहा हूं, पर वो खुश नहीं होते बिल्कुल भी. अंदर से वो दिल से खुशी नहीं आती. और फिर थोड़े टाइम बाद यही वो लोग होते हैं जो कॉल करके कहते हैं आई थिंक आई एम डिप्रेस्ड. डिप्रेशन इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी अभी यही चल रही है. भूख नहीं है, भूखे लोग कम है, हमारे पास डिप्रेशन वाले लोग ज्यादा है. अचानक से इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और जितने NDTV बड़े बड़े चैनल्स है, सब पे करोड़पति अरबपति दिखाए जाते हैं, एंड वी थिंक कि यही लोग सबसे ज्यादा खुश है, तो मैं भी यही रास्ता ले लेता हूं. मैं भी अगर अरबपति बन गया, बहुत पैसा कमा लिया जिंदगी में, तो मैं खुश हो जाऊंगा. पर जब ध्यान से देखते हो, बाहर से ये लोग होल दिखाई देते हैं और अंदर से उतना ही बड़ा होल होता है इनके अंदर. इनके पास सिर्फ पैसा होता है, पर ना वो रिलेशनशिप होते हैं, ना वो सपने होते, कुछ नहीं होता. अब सब एक रैट रेस में भागना शुरू कर देते हो, बट ये भूल जाते हो अगर रैट रेस जीत भी गए ना, तब भी रैट ही रहोगे, राइट? एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पूरा बनाया गया था, वो सिर्फ एक ही एजेंडा के साथ बनाया गया था कि यार अपने बारे में सोच सको. पर गलती से उल्टा हो गया, हमने बहुत सारी बकरियां पैदा कर दी जो हर्ड मेंटालिटी में जहां सब जा रहे हैं वहां पहुंच जाती थी. सोचना बंद कर दिया अपने खुद के लिए. हर साल इंजीनियरिंग के 150,000 स्टूडेंट निकलते हैं, 80% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयबल. 80% लाइक जितने भी यहाँ पे माँ बाप बैठे हुए कह रहे हैं कि यार बेटा बड़े होके इंजीनियर बनना, वो ड्रीम खत्म हो गया अचानक से. 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, 100 करोड़ की आबादी थी पूरी दुनिया की, और सिर्फ एक ही तरीके के लोग हमें चाहिए थे जिनके बाजुओं में दम हो. कितने लोग यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ, कितने लोग के पास थोड़ी सी जान है, यार थोड़ा सा जान है, हाँ आपको 100 साल पहले आपकी जरूरत थी. अब अचानक से 21st सेंचुरी आ गई, दुनिया की आबादी 700 करोड़ हो गई, और इन लेफ्ट साइडेड लोगों को भी ना मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया.
अभी सारे काम हमारे कंप्यूटर कर लेते हैं, हमें आपकी भी जरूरत नहीं है। कितने लोग यहाँ पर है अभी लेफ्ट साइडेड वाला काम कर रहे हैं, मैनेजिंग वाला काम कर रहे हैं, ईमेल्स अटेंड कर रहे हैं, पर एक चीज मशीन अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाई, आपके अंदर का आर्टिस्ट, आपके अंदर का क्रिएटर, जो कुछ नया सोच सकता है, नया बना सकता है, ये अकेली चीज मशीन्स नहीं कर पाई और अभी जल्दी नहीं कर पाएंगी। जैसी मुझे ये चीज पता लगी तो सबसे पहले रैट रेस मैंने छोड़ दी, और एक बार नहीं तीन बार कॉलेज छोड़ने के बाद मेरे पापा का रिएक्शन था क्या, मुझे 5 साल का जब मैं था मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता था, क्लास के अंदर एक कोने में बैठा बच्चा सिर्फ ड्राइंग करना अच्छा लगता है, 10 साल बाद वही बच्चा स्केच बनाना शुरू कर देता है पर घर वाले अभी भी ध्यान नहीं देते, 20 साल बाद वही लड़का 16,000 थंबप्रिंट से एक शिव पार्वती की पेंटिंग बना के साइड में रख देता है, अभी भी दुनिया ध्यान नहीं देती। पिछले साल 11,000 पिस्ताशियो शेल्स, पिस्ते के छिलकों से गणेश जी बना दिए, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग अप्लाइड फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, पता नहीं अगर मिल जाता है, बट दिस वाज द आर्टिस्ट इनसाइड मी व्हिच आई रियलाइज्ड। कितने लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं या वो योगा या कुछ, ओके okay. और कितने लोग करके छोड़ चुके और कह रहे कि भाई ये नहीं होगा मेरे से, ओके okay. तो सडनली क्या हुआ है, कितने लोगों ने यहाँ पे सेरामिक्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कोई और तरीके की आर्टिस्टिक एक्टिविटी कभी लाइफ में करी है? तो कभी भी आप कुछ बनाते हो ना तो एक अचानक से अंदर एक ट्रांस एनर्जी आ जाती है, एक ऐसी एनर्जी आती है आपको खुद को नहीं पता होता आप क्या करने वाले हो, आप बस उस एनर्जी में डूब जाते हो जब भी आप कुछ बनाते हो, चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो, अगर दिल से वो खाना बना रहे हो तो आपको नहीं पता लगेगा वो एनर्जी कहाँ जा रही है, उससे बड़ी मेडिटेशन कुछ नहीं हो सकती। दुनिया उन लोगों ने नहीं बदली, स्वामी और बाबा थे उन्होंने बदली जो एक्चुअल में कुछ बनाना चाहते थे। अचानक से पूरी दुनिया में एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन चल रहा है, एवरी वन वॉन्ट्स टू क्रिएट अ स्टार्टअप। कितने लोग यहाँ पे स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई है यहाँ पर? ओ, पर जब आप ध्यान से देखोगे स्टार्टअप के पीछे, आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है ना सिर्फ वो निकल कर आता है कि यार वो नया आइडिया बनाना है। अचानक से एक आइडिया जैसे आपके दिमाग में आता है, सो यू टर्न आउट यार मजा आ गया, पर जैसे ही वो आइडिया बन जाता है ना कोई उसे मैनेज नहीं करना चाहता, सारे बेच देते अपना आइडिया, एवरीवन से यार अब तो इसे बेच दो, फंडिंग के लिए बेच दो सीरीज। मोदी जी को ये स्टैंड अप स्टैंड डाउन इंडिया में समझ नहीं आया, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। हर किसी को स्टार्टअप करना है पर वो भूल जाते हैं कि स्टार्टअप नहीं थी खुशी का रीजन, द एंटायर आइडिया वॉज क्रिएटिंग समथिंग। यू गाइस आर नॉट अलोन, पीपल हु ऑलरेडी हैव कंपनीज, $1 billion कंपनीज उनकी है लिस्टेड, उन्हें भी स्टार्टअप करने का गलती से मन कर गया। सेलिब्रिटी कह रहा है मैं पिक्चर छोड़ो एक्टिंग करना, मैं भी स्टार्टअप ही करूंगा। बीमारी हर तरफ फैल चुकी है। 2013 में एक किताब लिखी 5-year-old बिलियनियर, कि एक 5 साल के बच्चे में वो सारी चीजें हैं जो हम बड़ों में ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही ये किताब मैंने लिखना शुरू करी, पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि यार अ ओल्ड पर्सन बिकम्स यंग एट द एंड ऑफ द डे, वो जब बूढ़ा होने लग जाता है वापस बच्चा बन जाता है, उसे पता लग गया पूरी जिंदगी का चाहे जितना एक्सपीरियंस भी मुझे मिल जाए ना बच्चा होना बेस्ट था। गीता में इसे लिखा है कि यार आप बूढ़े शायद हो जाओ पर आपकी रूह, आपकी सोल, आपका स्पिरिट वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। रविंद्रनाथ टैगोर पूरी लाइफ पोएट्री लिखता रहा, अलग अलग स्क्रिप्चर्स लिखता रहा, किताबें लिखता रहा, और 65 इयर्स की एज में उसे लगता है यार अब मैं पेंटिंग करूँगा। भाई 60 इयर्स में तो हम रिटायरमेंट की सोचते हैं, ये इंसान सोच रहा मैं पेंटिंग करूँगा, एंड बिफोर हिज डेथ 3,000 से ऊपर पेंटिंग्स बना देता है वो। 3,000 लोग पूरी लाइफ टाइम में नहीं बना पाते, वो 3,000 पेंटिंग्स अपने रिटायरमेंट में बनाना शुरू कर देता है। साल्वाडोर डाली, उसका बिगेस्ट मास्टरपीस, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसका बिगेस्ट मास्टरपीस वाज हिमसेल्फ। कोई ऐसी मूछे रखने की कभी सोच सकता है? यस, अपने आप के ऊपर कुछ ना कुछ अलग हमेशा करता था। एक बार एक जर्नलिस्ट महात्मा गांधी के पास गया और पूछा कि सर आपका मैसेज क्या है, एंड ही सेड इट इन वन लाइन, माई लाइफ इज माई मैसेज। अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने अपना आर्ट पीस बना लिया। हिंदुज्म में हम हमेशा कहते हैं यार बच्चे भगवान का रूप होते हैं, चाइल्ड इज एन इक्वल इन टू गॉड। वो जब पैदा होता है ना उसके ऊपर कोई थप्पा नहीं लगा होता कि
कि किस धर्म का है, किस कास्ट का है, किस रेस का है, या कौन सा प्रोफेशन का है, क्या वो इंजीनियर बनेगा, कुछ नहीं ऐसा लगा होता उसके ऊपर, कोई लेबल नहीं लगा होता, वो एक्चुअल में भगवान का रूप होता है। एक बच्चा चलना कैसे सीखता है, कभी आपने ध्यान से देखा है? वो कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करता चलने के लिए, या बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ना शुरू कर देता हाउ टू वॉक, या कोई डिग्री ऑन यस ऑन वॉकिंग आई हैव टेकन अ डिग्री, नो, वो 400 बार गिरता है और फिर उठ जाता है और फिर दोबारा चलना लग जाता है। लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम सामान आपका यही है, आप वो चीज़ें सारे अपने आप ही सीखी जाती है। एक नॉर्मल अडल्ट रिसर्च ने बताया कि दिन में सिर्फ 15 बार हंसता है और एक बच्चा दिन में 150 बार, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? पर आप लोग सोचोगे यार मेरे पास लाइफ में बहुत टाइम है, मैं क्यों इस गड़बड़ के बारे में सोचूं, मैं क्यों इसे सॉल्व करूं? एमी वाइनहाउस, जिमी हेंड्रिक्स, जिम मॉरिसन, इन तीनों में क्या कॉमन है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ म्यूजिशियन? कैन एनीवन टेल मी? यस, तीनों के तीनों 27 इयर्स की एज में मर गए। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को काबू करने के बाद 33 इयर्स की एज में चिड़िया उड़, मोजार्ट बेस्ट कॉम्पोजिशंस बनाने के बाद बेथोवन के लेवल की, अचानक से 35 की एज में चिड़िया उड़, बॉब मार्ले कितने लोग जानते हैं, राइट? और 36 में इनकी भी चिड़िया उड़ गई। ज्यादा वक्त नहीं है किसी के पास भी, और जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ ऐसा बनाओ या ऐसा करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें दुनिया याद रखे। जानवर सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, बच्चे पैदा करना, पर इंसान कंपनी बना सकता है, वो आर्ट पीस बना सकता है, वो गाना बना सकता है जो उसके जाने के बाद भी दुनिया उसे याद रखे। सिंपल यही मकसद है जिंदगी का और कुछ नहीं, कि तुम्हारे जाने के बाद बस क्या होगा। क्रिएटिविटी इज द ऑक्सीजन फॉर आवर सोल्स। शेक्सपियर ने जीते जी 200 से ऊपर कॉम्पोजिशंस बना दिए, हमें सिर्फ रोमियो एंड जूलियट के बारे में पता है मैक्सिमम लोगों को, पर 200 से ऊपर उसने सामान लिख दिया था। पिछले साल आई लॉन्च्ड अ फिलॉसफी कॉल्ड द 5-year-old फिलॉसफी, कि दोबारा बच्चा बन जाओ। सिर्फ तीन ही पिलर्स है उसके, ज्यादा नहीं। पहला लर्न, बच्चों ने कितने लोग WWE, WWF कॉमिक्स पढ़ते थे, कार्टून्स देखते थे आप सब, तो आप सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती थी तब हमारे लिए, वो हमारी फैंटेसी नहीं थी, वो हमारे लिए करियर ऑप्शन था। हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते थे और वो नजरिया था एक गेम की तरह। जब भी हमारे माँ बाप डांटते कि यार दुनिया बाहर की बहुत बुरी है, पर नहीं, हमारे लिए वो एक वीडियो गेम की तरह थी। रूल सिंपल थे, हम अपने आइडल्स को कॉपी करते थे, जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती थी वो हमारे विलेन होते थे। हमें पता था कि जब सामने विलेन आ रहा है तो उसका मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो गेम में खो गए हम अगर विलेन नहीं आ रहे। हमें ये भी पता था कि यार जितना बड़ा विलेन होगा उतना बड़ा प्राइज मिलेगा आज जीतने के बाद। रूल्स बहुत आसान थे। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप सबके लिए, आज घर जाके कुछ भी अब इसके बाद हो तो उस पर वाई पूछेगा, हर चीज को क्वेश्चन करिएगा, ये क्यों है। सो हो जाएगा, ग्रेट। सेकंड इज अनलर्न। आज सबके पास एक एक सुपर पावर है, अगर मैं आपको कहूं तो कैसा लगेगा? सबके पास एक यूएसपी है, कुछ अलग है आप सबके पास। साइंटिस्ट ने प्रोबेबिलिटी निकाली कि अगर आज सर आपका नाम, हाँ जी, धर्मेंद्र, अगर आज की डेट में मुझे धर्मेंद्र चाहिए, सेम माँ बाप के अंडर पैदा हुए, सेम फैमिली में, सेम जगह पर, सेम नेचुरल कैलामिटीज में, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1:40,000 करोड़ एग्जैक्ट धर्मेंद्र पैदा करने के लिए। जैसे आप ये यूनिक चीज अंदर ढूंढ लोगे ना, अचानक से आपका काम आपको आसान लगने लगेगा। योर वर्क विल स्टार्ट अपीयरिंग लाइक प्ले, कि भाई ये तो खेल है। कितने लोग इन्हें जानते हैं? यार सिर्फ कोडिंग पसंद थी, सिर्फ कोडिंग पसंद थी, चाहे वो सैटरडे संडे को बैठ के करनी पड़े या रात को पार्टी छोड़ के करनी पड़े, और इन्होंने फेसबुक बना दिया। काम इनके लिए हमेशा से खेल रहा है। इन्हें मैनेजमेंट नहीं पसंद थी, इन्होंने आगे आउटसोर्स कर दिया, जो चीज़ नहीं पसंद थी साइड, कोर जो पसंद था वॉज कोडिंग। आज का दूसरा एक्सपेरिमेंट, घर जाकर
अगले हर रोज आपको एक नया एक्सपेरिमेंट करना है, एक नई चीज करनी है, चाहे वो जितनी छोटी क्यों ना हो। अगले 30 दिन सिर्फ एक नई चीज कर देखो, कहीं नया कुछ खा लिया, किसी नया मिल लिया, कुछ भी जो आपके सर्कल रूटीन के बाहर हो, और आपको अपने आप फर्क दिखने लग जाएगा। जो आपका दिल कह रहा है उस टाइम पे कि यार ये मन कर रहा है, चलिए नया ट्राई करके आते हैं, हो जाएगा। फाइनल इज रीलर्न। कितने लोग यार सपने देखते हैं दिन में, खुली आंखों से सपने देखते हैं अभी भी, जिनका सिस्टम इमेजिनेशन का चल रहा है, गुड, अभी भी कुछ लोग सपने देख रहे हैं। कितने लोग इन महाशय को जानते हैं, इन्होंने गलती से स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में बैठ के सपने देखे और 100 साल बाद हमारी किताबों में वो सपने छपकर फिजिक्स में बदल गए। ठीक है, नोबेल प्राइज मिल गया उन्हें, पर जो इन्होंने सपना देखा आज वो हम पढ़ रहे हैं। कितने इन्हें जानते हैं, इसाक न्यूटन। न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठा था, सर पे एक सेब गिर गया, पर वो सेब इतना भारी गिरा कि अगले 10 साल की जो हमारी पढ़ाई है सारी इसी की लिखी हुई है। इसी ने वो सपने देखे थे, इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी फिजिक्स के ऊपर, उस टाइम पे किताबें नहीं होती थी। अगला एक्सपेरिमेंट ये करूंगा, 60 मिनट्स ऑफ अ स्टूडेंट, हर रोज जस्ट स्पेंड 60 मिनट्स ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, दैट्स कॉल्ड द आवर ऑफ द स्टूडेंट। कोई किताब नहीं पढ़नी है या कोई टेड टॉक आपने देख ली, 30 मिनट्स मिनिमम कर लीजिएगा, पर सिर्फ कुछ नया सीख कर देखिए, आपका दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। सिर्फ 60 मिनट्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कम में 30, दैट्स इट। सो कितने लोग मेरे साथ है, हो जाएगा, ग्रेट। फाइनली अब इन 2% लोगों के लिए जो मुझे या तो इंसल्ट करेंगे, अब्यूज करेंगे, या कहेंगे यार ओंकार तू गलत है, जो भी तुम यहां स्टेज पे कह रहे हो बिल्कुल गलत है, बस I've consulted enough companies, set up enough businesses and shut down as well. I've read and written enough books and researched and interviewed enough millionaires to realize the fact that self-worth is more important than net worth. That your eulogy is more important than your resume. That the child is happier than any billionaire out there. So are you a leader or a follower? Are you an artist or a manager? Are you a child or an adult? तुम कुछ भी बनो इनमें से, कुछ भी, पर अपना बेस्ट और ग्रेटेस्ट वर्जन बनना, और कॉलेज या स्कूल या जॉब मत छोड़ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।